राखी मेकिंग का सामान हमने ले लिया, पुनीत के फ्रेंडशिप बैंड खरीदने, और सारी गाड़ी पे कीले कीले लग गई। ये देखो यहाँ भी, अभी ये मेरे हाथ पे लगने वाली थी, ये देखो अभी भी कीले लगी हुई है इस पे। बस बस ज्यादा भी खोलो, हम जा रहे हैं YouTube फैन फेस्ट के लिए। और हम हैं इस टाइम इतनी बारिश में पुनीत के फ्रेंडशिप बैंड खरीदने शॉप पे। हाँ, और राखी मेकिंग का सामान हमने ले लिया। ये देखो इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स, ये सारे बच्चे अभी काम करेंगे, बस सब ले रहे हैं। और हरप्रीत और मैं जा रहे हैं कल बॉम्बे, और गुनीत नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चे वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो जल्दी से लो गुनीत फिर हम चलें। देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, और हम अम्ब्रेलास लेके आए हैं। कीले कीले है गाइस, देखो इतनी सारी कीले गाड़ी में, किसी ने वो पता नहीं कौन सा फट्टा रखा हुआ था उस पर कीले लगी हुई थी सारी गाड़ी मैंने अंदर की। और ये देखो जरा बारिश पूरी हो रही है, यहाँ पे किसी ने रखा हुआ था गाड़ी अंदर की है मैंने, और पूरा देखो कीले कीले। मैं प्लास से जाके ना सारी कीले निकालूंगा, अभी आया हूँ मैं, आते ही काम हो गया, दिमाग खराब हो गया बड़ा, देख के पंचर होंगे पता नहीं कितने पंचर होंगे या क्या होंगे या क्या है समझ नहीं, इतने सारे पंचर जिंदगी में नहीं देखे। अब तो मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पे, वहाँ से आने के बाद ही देखूंगा। भाई गॉड यार दिमाग खराब हो गया, आते ही ऐसा मूड खराब हुआ है ना मैं बता नहीं सकता आपको। ये नहीं जा रहा बॉम्बे तो जा रहा हूँ, ये क्या चल रहा है पिज्जा पार्टी, कोक पिज्जा या अकेले अकेले, मेरी शक्ल देखो भाई। आई डोंट लाइक इट गाइस, हालत देखो मेरी। पता क्या हुआ है गुनीत, नहीं पीछे वो नहीं होता ना कीलों वाला बोर्ड, कीले लगी हुई सारे बोर्ड में, और मैंने गाड़ी अंदर की, गाड़ी उस पर चढ़ी और सारी गाड़ी पे कीले कीले लग गई टायर पे पूरे। जानबूझ के रखा है या पता नहीं मेरे को क्या रखा है, वो पड़ा हुआ था दिख रहा था मेरे को साइड पे था मैं गाड़ी, तो वो अंधेरा ही इतना था लेकिन ये नहीं पता, मुझे लगा ऐसे ही बोर्ड पड़ा हुआ है। बल्ब किसने लगाया, बल्ब से भी नहीं दिख रहा था कोई, बारिश इतनी हो रही है मेरा ध्यान में नहीं आया। हाय बाजू, हाय बानू, और गुनीत आप रह लोगे अकेले? मासी के घर जा रही हूँ। मासी के घर? चांदी मासी के घर रहूंगी ना, यहाँ थोड़ा तो रहूंगी मैं, 4 बजे जब आप आओगे ना तब सोऊंगी मैं तो फिर। अच्छा वहाँ रहोगे, चलो एंजॉय करना। ये पिज्जा का क्या हुआ, अभी तक कितना ही खाया गया? अभी तो आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले। अच्छा पहले ओके। So guys, बहुत अब देखो चल मैं अब जाऊंगा नीचे, सारे वो प्लास से ना सारी कीले निकालूंगा एक करके, कम से कम गाइज 25-30 कीले, 20 बोला मैंने, 25-20 कौन बोलता है, 25-30 होता है या 20-25 होता है, 20-25 ये गाइज ऐसे ही बोलती है 25-20 बोल देता हूँ। हाँ जी बनू, आज आप वॉक पे नहीं जा सकते, आज बहुत बारिश हो रही है, आज नहीं जा सकते, नो नो इधर ऊपर नो, कीचड़ कर देगा मेरी, पहले ही हालत ऐसी हो गई है पता नहीं की हो गया आज तो यार, कमाल ही होगी इतना पानी भरा हुआ इतना ये वो वाट लग गई। मेरी फ्रेंड ने पंजाब से बाहर गई थी, वहां पे पूरा फ्लड हो गया, गाड़ी के नीचे फट्टा बिछा हुआ था बाहर गली में, उसमें कीले कीले थी, सारी कीले गाड़ी में घुस गई टायर में, सारी की सारी कीले। अब तो जा रहे हैं वहां के देखूंगा मैं क्या सीन है, अभी बोल रहे जाके निकालूंगा आपका यार। नहीं अभी तो निकालूंगा लेकिन पंचर हुई होगी जब मैं आऊंगा, तो फिर क्या करूंगा, चेंज करनी पड़ेगी स्टेपनी, अब इतनी सारी कीले हैं पंचर तो होगी। वो टायर तो कस्टमाइज कह रही हूं, वो तो टोयोटा का वो ही वाला था ना? नहीं नहीं वो पंचर लगेगा, देखते हैं क्या होता है, या तो वो डलेगा जो उसमें लिक्विड होता है, कुछ कीले अंदर घुसी हैं पूरी, कुछ तो अंदर ही चली गई है पूरी, देखता हूँ जाके प्लास से निकालता हूँ, प्लास दियो वहां से। क्या लगता है गाइस आपको, किसी ने ये जान के किया है? ये देखो एक कील, कुछ तो मैं पहले निकाल के चला गया हूँ ऑलरेडी, कील से तो यार पंचर तो पक्का हुई होगी, अब इतनी सारी कीले घुसी हैं। ये देखो यहाँ भी, अभी ये मेरे हाथ पे लगने वाली थी, ये देखो ये भी कील है भाई साहब, अभी यहाँ भी वो देखो हवा आ रही है, फुल हवा आ रही है, मेरे को गई पंचर हो गई गाड़ी, टायर चेंज करना ना पड़ जाए मेरे को साला, कौन कमीना, किसी ने जान मुझके किया तो मरेगा साला, गुस्सा आ रहा है सामने, पंचर हो गई गाड़ी, हवा निकल रही है, क्या हो गया गाड़ी, ये देखो गाड़ी हो गई पंचर,
पूरी हवा आ रही है यहाँ से, सारी कीले कम देखो, कीले कीले ये देखो, कीले 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 कीले, इतनी सारी कीले मैंने निकाली है। ये देखो गाड़ी गई, ये देखो पंचर हो गई, बैंड बच गई। ये शुक्र है मैं घर पहुंचा हुआ था, ये रास्ते में कहीं होता तो और तो कहीं नहीं है। यहाँ तक आई हुई थी गाइस कीले, कम से कम 30-40 कीले निकाली है मैंने, ऊपर से बैंड बच गई मेरे को, पूरा कीला हो गया भाई, पूरा निचड़ गया पूरा, फटाफट चलो। यहाँ पे पड़ा हुआ था देखो, ये रहा, ये देखो अभी भी कीले लगी हुई हैं इस पर, ये देखो। ये मेरे को लगता है वो डॉग वॉक के लिए लगाते हैं ना, किसी ने डॉग के लिए लगाया हुआ, मेरा ही डॉग बन गया आज। चलो हो गया, नुकसान हो गया, हो गया, क्या कर सकते हैं, फटाफट भागो, पूरा गीला हो गया वो, हमारे पास जान निकल गई। हाँ मूड ख़राब हो गया, पता नहीं कितने यहाँ टायर है, 15,000 का, 10-15,000 का टायर होगा, कैसी होगी 10-15,000 का। मैं कीला निकालते सारी हवा, होगा 10-15,000 का नुकसान हो गया, खाऊंगा मैं। मेरे को लगता है किसी ने वो डॉग के ऊपर के लिए बनाया होगा, वो कि वहाँ फेंक दिया कोने में, वहाँ गेट आता खुलता है ना, तो वो साइड से लेके जाता हूँ मैं। मेरे को फील तो हुआ था कुछ लग रहा है टायर में, मैंने कहा क्या है, बारिश हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही थी। हम दोनों जा रहे हैं, मनाया मैंने रील के लिए उसको। कहाँ जा रहे हो? किचन रील बनाने। चलो बनाओ, और इसको सुनाना भी है, सुबह स्कूल जाना है। ये क्या है, इसका प्रोजेक्ट है? ये मायरा का प्रोजेक्ट है, बारिश आ रही थी तो यहाँ पे रखा है। अच्छा, वहाँ जा नहीं पाया। ये ना हमारी ये वाली जो वॉल क्लॉक है ना, इसका ना एक साइड चलती है और एक साइड की इसकी मशीनरी खराब हो गई है। और मैंने बोला है, लोग बोलते हैं कि बंद खड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। हाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। हमने क्या किया, मैंने ये अमेजोन से मशीनरी मंगाई है, कोई 150 रुपए की, 100-150 रुपए की है। अब इसको हम इसमें लगाएंगे और घड़ी हमारी न्यू हो जाएगी, तो पूरी घड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी घड़ी कुछ खास है ना, जैसे हमारी ये घड़ी खास है, दोनों साइड से दिखता है, ठीक है, तो इसको अभी ये मशीनरी चेंज कर दूंगा मैं, हो जाएगा। ये मेरा कुछ ऑफिस का सामान आया। सो गाइस ये हमारा ऑटोमेटिक वाला वो है, अब इसमें लगाएंगे ये वाली बिट, और ये हमारी घड़ी है, ये इसके पेचिस है, दिखाए इधर से, ये देखो ये खुल गया एक पेच। गाइस घर की सारी चीज़ें ठीक कर लेता हूँ, A to Z। दरवाजे का लॉक खराब हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी आपको करवाना हो प्लीज आप हरप्रीत एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। समझदारों का नंबर दिखता है बस, वो जिसको दिख रहा है वो समझदार है, जिसको नहीं दिख रहा वो समझदार नहीं है। नंबर दिख रहा है ना सबको, देखो पसीने की एक पसीने आ रहे हैं, नहा के निकलते हैं ऐसे लगता है दोबारा गीले हो गए पसीने। असल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नहा के निकलूं, वो वाला पानी गीला है या पसीना है, समझ नहीं आ रही। यानी कौर आ गया, गुनीत खोलो खोलो जल्दी, हाँ बस बस ज्यादा खोलो, ज्यादा प्रेस मत करना, गुड यहाँ रखो, गुड, वो नहीं वो नहीं वो नहीं खोलो, अरे वो नहीं खोल रहा उसको, उससे पेच कैसे खोलना पड़ेगा, वो थोड़ा वो है, देख जैसे ये है देखो, बिल्कुल प्रेस मत करो, आ गई खोल, हो गया हो गया। ये घड़ी आ गई, अब इसकी हम मशीन चेंज करेंगे, ये रही मशीन, नहीं ये नई मशीन लगाएंगे, मशीन कह रहा हूँ, मशीन ये तो है ना, अंदर से कितनी साफ लग रही है। हालांकि जो इसकी सुइयां थी ना वो नहीं लगी इसमें, क्योंकि इसका ये थोड़ा सा छोटा था, मैंने इसको जुगाड़ करके लगाया, देखो घड़ी चल पड़ी है, और ये देखो यहाँ पे ये सुइयाँ हैं ये वाली, लेकिन ये भी अच्छी लग रही है नो डाउट। ये देखो ये थी इसकी सुइयाँ, ये नहीं लग रही, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, लेकिन ये इसके साथ मिली है मशीन के, ये सही लग रही है, हो गया काम। और इसको गुनीत को फिर से आइस में इन्फेक्शन शुरू हो गया है, क्यों हो गया भाई? क्योंकि ये साथ में था, फिर साथ में हो गया। हाँ ध्यान रखो, बारिशों का मौसम है, सारे ध्यान रखो। ये गाइस देख लो, इधर भी टाइम सेट हो गया है और इधर भी टाइम सेट हो गया है, सुइयाँ चेंज हो गई हैं, और ये बदतमीज जाने वाला आज जा नहीं पा रहा ना, बारिश हो रही है बाहर, तो रो रहा है, वेट कर रहा है कब लेके जाएंगे, आज नहीं जा सकते बेटे, आज नहीं जा सकते। तो ये आए मेरे स्विचेस जो कि मैं अपनी कॉस्ट्यूम में हम यूज़ करते हैं, ये देखो ये ऑन ऑफ का स्विच होता है, इससे हम कॉस्ट्यूम अपनी जो होती है ना LED कॉस्ट्यूम जो हमारी है उससे ऑन ऑफ करते हैं। बनी चलो सो जाओ, अब गुनीत दीदी सो गई, सुबह उसने स्कूल जाना है और हमने जाना है, मैं देख रहा हूँ गाइस अपनी सीरीज एक एपिसोड देख के सो जाऊँगा। ऑलरेडी देखो कितने बज गए, 1 बज गए, और भाई सुबह 7 बजे हमने उठना है, फ्लाइट है हमारी, हम जा रहे हैं YouTube फैन फेस्ट के लिए, तो ये नेक्स्ट वाला ब्लॉग जरूर देखना, और सुबह गुनीत को स्कूल भेजेंगे पहले, फिर हम लोग निकलेंगे फैन फेस्ट के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं भी रोटी खा ली है, मैं भी सो रहा हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है, सुबह हमने जाना है भाई, हमने किसके साथ जाना है वो भी देख लेना आप कल। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, और कितने मिनट्स के ब्लॉग देखना चाहते हो वो भी कमेंट्स करके बताना।
तो चलो गुनीस हो गई, सुबह इसको स्कूल भेजना, मैं भी फटाफट से थोड़ा टीवी देख के फटाफट सो रहा हूँ मैं। और ये देखो एक और आ गई है जुड़ा करके। क्या हुआ? कुछ नहीं, तोरी की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है गाइस, मैंने दोबारा मंगाई है। बनू देखो हमारे घर में देखो क्या है, यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है, यही हम खा रहे हैं। बाल बूल आता ना हम तो ऐसे निकाल के फेंक फूक देते हैं, हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करता। हमारा ये प्यारे बच्चे हैं ना, हमारे बेटे हैं ना ये हमारे, इनके साथ हम कैसी अच्छी कल चुकते हैं, है ना बाबू, है ना कुत्ता, इतना प्याला बेटा। बाय गाइस, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।